नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 का जो प्रोमो है वो जारी किया जा चुका है। अगर आप सोनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर विजिट करेंगे तो केबीसी 2022 का जो प्रोमो है उसका 1 मिनट से एक छोटा वीडियो जो है अपलोड किया गया है, जिस वीडियो में महानायक अमिताभ बच्चन गुड्डी नाम के एक प्रतिभागी से जो है वहाँ पे सेटेलाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का वो जवाब जो है 2000 नोट का सबमिट करवाती है। क्या ये प्रोमो जो है ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। हालांकि ये जारी किया गया है सोनी टीवी चैनल की तरफ से ही, लेकिन ओरिजिनल और डुप्लीकेट हम आपको इसलिए बता रहे हैं, इसके पीछे कहानी ये है कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी अभी भी जो है इस भ्रम में है कि क्या ये जो प्रतिभागी गुड्डी के विषय में महानायक अमिताभ बच्चन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ये प्रतिभागी केबीसी सीजन 14 में रियल में पार्टिसिपेट की हुई है या फिर ये एक प्रोमो जो है सिर्फ और सिर्फ डम्मी जो है क्रिएट किया गया है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे 60 और 40 का आंकड़ा आप ले सकते हैं। 60% चांस है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोमो वीडियो क्रिएट किया गया है, यानी कि महानायक अमिताभ बच्चन और गुड्डी के बीच जो भी वार्तालाप हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोमो के लिए जो है एक डमी वीडियो बनाया गया है। इसके वार्तालाप से या फिर वॉइस ओवर के सुनने के बाद ये कंफर्म कहा जा सकता है। मोस्टली पहले हम भी यही समझ रहे थे कि ये जो है प्रतिभागी हैं जो केबीसी सीजन 14 में चुनी गई हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो प्रोमो को ध्यान से आप देखेंगे तो इसके बैकग्राउंड में जो भी व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं वो ओरिजिनल व्यक्ति जो है नहीं है, यानी कि वीडियो में नहीं है। बैकग्राउंड आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टील बैकग्राउंड लगा हुआ है, जिसमें जो भी व्यक्ति को आप देखेंगे वो बिल्कुल शांत जो है बैठे हुए हैं। अगर वो वीडियो ओरिजिनल होता तो वहाँ पे पीछे बैठे हुए व्यक्ति का कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर होता, या तो सिर हिलता या फिर कुछ भी एक्टिविटी उनका जरूर होता, जो कि बिल्कुल इस प्रोमो वीडियो में नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई भी प्रतिभागी जो है केबीसी के सीट पर नहीं बैठे हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ महानायक अमिताभ बच्चन और ये जो गुड्डी प्रतिभागी हैं ये दोनों हॉट सीट पर बैठे हुए हैं और इस दोनों को लेकर केबीसी टीम की तरफ से जो है एक प्रोमो वीडियो जो है शूट किया गया है। हो सकता है 40% चांस हो कि हो सकता है ये जो प्रतिभागी हैं वो केबीसी सीजन 14 की एक पार्टिसिपेंट वहाँ पर निकल जाए, लेकिन चांस न के बराबर है। प्रतिवर्ष जो यहाँ पे प्रोमो जारी किया जाता है उसमें मोस्टली चांस होता है कि टीम के तरफ से एक प्रोमो वीडियो जारी किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिए वीडियो जो प्रोमो बनाया जाता है केबीसी का वो तभी बनाया जाता है जब उसका 1 सप्ताह का जो शूटिंग है वो समाप्त हो जाता है। इसका मतलब साफ हो गया है कि यहाँ पे केबीसी का 1 सप्ताह का शूटिंग जो है समाप्त हो चुका है और 2रा सप्ताह का शूटिंग जो है चल रहा है, लेकिन जब ये शो प्रसारित किया जाएगा जुलाई महीने में चांस है, जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीकेंड में जो है 100% चांस है कि कौन बनेगा करोड़पति 2022 का जो प्रसारण है वो सोनी टीवी चैनल से आरंभ कर दिया जाएगा। तो जब ये शो प्रसारित किया जाएगा तो उस समय इस प्रोमो की वास्तविकता को आप देखेंगे कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक डमी वीडियो बनाया गया है जिसमें बैठे हुए प्रतिभागी से रियल कंटेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, या फिर ये सीजन 14 की एक प्रतिभागी हैं। लेकिन जिस तरीके से वार्तालाप किया गया है इसमें 2 संदेश जो है महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा छोड़ा भी गया है। जितने भी प्रतिभागी जिनके पास FFF कॉल आने वाला है या फिर आ चुका है तो अब आपको कहीं ना कहीं सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। इस प्रोमो वीडियो में 2 चीज प्रतिभागी को बताया गया है, एक तो दर्शक के लिए भी है कि वैसे दर्शक जो KBC सीजन 14 का इंतजार कर रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं तैयार हो जाए क्योंकि बहुत जल्द जो है इसका प्रसारण आरम्भ कर दिया जाएगा। दूसरा प्रतिभागी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसमें आप देख रहे हैं कि कई बार आप क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर जो है नहीं देते हैं, आप कहीं ना कहीं से उसको लिंक करते हैं और वहाँ पे वो आपका जवाब जो है गलत हो जाता है। दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे जो महानायक अमिताभ बच्चन इस वीडियो में गुड्डी नाम के प्रतिभागी से सैटेलाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हुए थे तो वहाँ पर जो है वो गलत जवाब दी हुई थी। 2000 नोट के विषय में एक अफवाह उड़ा हुआ था कि 2000 नोट में जो है नैनो GPS चिप्स का इस्तेमाल किया गया है जो सैटेलाइट के माध्यम से जो है RBI को सूचित करेगा और 2000 के नोट को वो ट्रैक कर देगा। इस पर फुल डिटेल्स में एक वीडियो हम आपको बता देंगे। तो ये जो गुड्डी नाम की प्रतिभागी है यही न्यूज जो है आज तक से या फिर जी न्यूज से सुनी हुई थी और उसी को लेकर वो डायरेक्ट क्वेश्चन को समझी नहीं, उसमें सरासर प्रतिभागी की गलती है और वो 2000 नोट का जो ऑप्शन है वहाँ पर सेलेक्ट करती है। तो वहाँ पर
आपको क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले, और उसके बाद जो है आंसर लॉक करवाना है। तो ये प्रोमो जारी करने के पीछे जो है केबीसी टीम का भी दो मकसद था, एक तो प्रतिभागी भी तैयार हो, दर्शक तैयार हो जाए, और दूसरा जो प्रतिभागी इस मंच पे आने वाले हैं कहीं ना कहीं वो तुक्का लगाकर जवाब या फिर कहीं ना कहीं से किसी एंगल से जोड़ कर जवाब ना दे, बल्कि डायरेक्ट अगर उसका जवाब पता हो तभी आप अपना जवाब जो है सबमिट कराइए। तो ये एक तरीके से चलते चलते हम आपको बता दें कि 60% चांस है ये सिर्फ और सिर्फ एक डमी वीडियो है जिसको प्रोमो के लिए शूट किया गया है, और बाकी अगर ओरिजिनल होगा भी तो 40% चांस है, हो सकता है ये जो प्रतिभागी है वो केबीसी सीजन 14 की एक हिस्सा हो।